नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। आज स्ट्रेट टॉक में हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग में देश में तेजी से बढ़ रही फ्रॉड की घटनाओं की। दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर कर सकते हैं, कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, एडवोकेट अजय जग्गा हैं, जिनका कंज्यूमर राइट्स पर खासा जो है एक विस्तृत लीगल समझ उनके पास है, और उनसे बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और शॉपिंग से जुड़ी क्या समस्याएं ग्राहकों को फेस करनी पड़ती हैं और केंद्र सरकार ने इस दिशा में क्या सख्ती बरती है, किस तरह के नियम बनाए गए हैं, किस तरह के नियम बनाने का ऐलान किया जा रहा है, और क्या रोड मैप केंद्र सरकार की ओर से कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बात पे जो स्टेटमेंट्स है मिनिस्ट्री की तरफ से वो आते रहे हैं। एक आपको पैकेज दिखाते हैं कि देश में फिलहाल क्या स्थिति है कंज्यूमर राइट्स की, स्पेशली जब हम बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। अजय जग्गा जी, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि स्टेट टॉक में आपका स्वागत करूं। और कंज्यूमर राइट्स एक बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में हम आमतौर पर देखते हैं कि बहुत ही कम बातचीत हो पाती है, या फिर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि अगर कोशिश करते भी हैं किसी तरह की कंप्लेन करने की तो वो प्रोसेस इतना लंबा ज़्यादा हो जाता है, अवेयरनेस इस मामले पर इतनी कम है कि एक बहुत बड़ा तबका जो ऑनलाइन शॉपिंग मोड पर चला गया है उसको अपने राइट्स के बारे में ही पता नहीं है। पहला सवाल, इन सब सवालों से हम जानेंगे, लेकिन पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि अभी जो मिनिस्ट्री ने एक कंसर्न दिखाया है कि इतनी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, इसके बारे में आपके क्या ऑब्जर्वेशन है? थैंक यू। देखिए, जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन या कंज्यूमर राइट्स है, ये इस समय भारत का ही नहीं इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसकी वजह यह है कि एक अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं एडम्स थे, उनका एक कैप्शन है जिसमें उन्होंने कहा है कि द सोल पर्पज ऑफ प्रोडक्शन इज कंजम्पशन। मतलब इस दुनिया में जो भी चीज प्रोड्यूस की जाती है उसका मकसद उसकी कंजम्पशन है। तो दैट मींस कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है ये कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्शन है। और आप ये समझिए कि अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ गई हैं तो एक इसमें जो है सकारात्मक पक्ष भी नजर आता है। देखिए, हिंदुस्तान अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी में चला गया। अब लोगों को हैरानी होगी कि जो इंडिया का बिजनेस है, जो उसके फ्यूचर आंकड़े हैं, वो ये बोलते हैं कि 2025 तक 111.40 बिलियन डॉलर का बिजनेस ऑनलाइन का इंडिया का हो जाएगा। और जो इंडिया का टोटल बिजनेस 2030 में 350 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। अब हमने हिंदुस्तान में क्या हुआ कि जो कंजम्पशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और आप ये समझते हैं जितनी ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा शिकायतें उस लेवल पर तो नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी शिकायत का बढ़ना लाजमी है जी। अब उसकी दो वजहें हैं। एक तो जैसा कि भारत के जो मंत्री हैं उन्होंने इसके कंज्यूमर उपभोक्ता संरक्षण मामलों के उन्होंने भी ये कंसर्न शो किया कि 30-35% तक कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट शिकायत जो है वो दर्ज हो गई ऑनलाइन की जी। अब उसकी वजह यह है कि इंडिया में जिस स्पीड से ग्राफ ऊपर बढ़ा उस ग्राफ से हमने अपने कानून में भी तब्दीली लानी शुरू की। हमारी जो संसद है वो पूरी तरह इससे वाकिफ थी। जो भारत का पहला कानून बना वो 1986 में बना और दोबारा कानून जो है 2019 में बन गया। ये क्यों बना? इसकी बैकग्राउंड ही मेजर ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थी वो कवर नहीं कर पा रहे थे हम पिछले कानून में जी, तकनीकी वजह से, लेकिन अब हमने उसको कवर कर दिया। अब
इससे पहले कि मैं ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के बारे में प्रावधानों में बताऊं, मैं जो ये कंप्लेंट बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक बहुत ही पॉपुलर एक जरिया माध्यम या मीडिया है। हर एक व्यक्ति को लगता है कुछ भी हुआ उनकी एक मेल डाली और कंप्लेंट लॉन्च कर दी, तो इसकी इजी एक्सेसिबिलिटी है। लेकिन समस्या ये है कि लोग उससे आगे बढ़ते नहीं है, और वजह यह है कि कानून की जो इसकी जो बेसिक रूट कॉज जो इसकी जड़ में जो समस्या है वो ये है कि हमारे देश के अंदर जो हमारे कोर्ट केसेस है जिसको हम कंज्यूमर कंप्लेंट बोलते हैं, वो जिस कंज्यूमर स्टेट कमीशन में जाती है वहां पर उसका फैसला होने में बड़ा लंबा समय लगता है। उससे क्या होता है कि जो डिफॉल्टर कंपनीज है या जो लोग सब स्टैंडर्ड सामान बेचते हैं उनको लगता है कि ये टूथलेस लॉ है। अच्छा। कि इस लॉ के अंदर इतनी ताकत नहीं कि हमें ये टाइमली पनिश कर सके, इसलिए वो बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए अगर आप इन डीप जिस वक्तव्य की आप बात कर रही हैं, अगर आपने उसको आगे भी पढ़ा हो तो उसमें देखा हो मंत्री जी ने खुद ही बोला है कि ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी अदालतें हैं उपभोक्ता से जुड़े हुए मामलों की वो समय पर केसों का समाधान करे। इस समय जो है वो आप ये लगा लो कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये कंज्यूमर की अदालतें हैं इनमें जो दो तारीखों के बीच का वक्फा या समय है वो 109 दिन है। मानो कि अगर 5 तारीख पड़ गई किसी मुकदमे में तो 545 दिन गुजर गए, तो आप समय हिसाब लगा सकती है कितना लंबा वक्फा है। असम के अंदर 110 दिन का समय है दो तारीख के बीच का, अगर 4 तारीख पड़ी 440 दिन गए। हरियाणा में 98 दिन है, वेस्ट बंगाल में 90 दिन है, और जो हमारी सबसे बड़ी कंज्यूमर मामलों की अदालत है नेशनल कमीशन उसमें 75 दिन है। तो ये जो है इसकी जड़ जो है वो ये है कि हमारी समस्याओं का जो समाधान का समय है वो बहुत लंबा है, इससे उसका जो कानूनी इंपैक्ट डिफॉल्टर पर आना है अभी वो नहीं आ पा रहा। उस वजह से कंप्लेंट बढ़ रही है लेकिन समाधान नहीं बढ़ रहा, तो पाइल अप होती जा रही है। जी एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं अजय जी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का इशारा किया जा रहा है स्ट्रेट टॉक में, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं स्ट्रेट टॉक में और समझेंगे कि ये लंबा वक्त क्यों लग रहा है और क्यों इससे हताशा हो जाती है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कस्टमर को कि वो क्या एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए जो कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, या फिर अगर बड़ा अमाउंट है भी तो इतना समय क्या लगाना इसके लिए सही होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे स्ट्रेट टॉक में, फौरन लौटेंगे और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। आज बात कर रहे हैं हम ऑनलाइन शॉपिंग में हो रहे फ्रॉड की और बढ़ रही शिकायतों की। हमारे साथ एडवोकेट अजय जग्गा मौजूद है और काफ़ी समझ रखते हैं, लंबा अनुभव है कंज्यूमर राइट्स का इनका। अजय जी जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे आप कि बहुत लंबा समय लग जाता है, इसलिए जो केसेज है जो कंप्लेंट्स है वो पाइल अप हो रही हैं और ये हर साल जो इनका नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो इस गैप को किस तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि आप खुद जो है वो स्टैंडिंग काउंसिल के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह की मीटिंग्स होती है और कितना अब तक जो है सक्सेसफुल रही है कि इस गैप को कम किया जा सके? देखिए होता क्या है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है लॉ का जिसके थ्रू हम कंज्यूमर कंप्लेंट्स को डील करते हैं, चाहे वो राज्य के अंदर हो या केंद्रीय स्तर पर हो, राज्य में है तो स्टेट कमीशंस है और फिर उसकी अपील जो है नेशनल कमीशन में जाती है। तो अब आप ये देखो, जब हमारी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ गई, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ने का मतलब ये है कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे, अगर एक दिन 20 केस लगे होते थे अब वहां पर 40 केस लगने लग गए, तो अब उससे इतना ज्यादा लोड जो है वो कंज्यूमर कोर्ट्स के ऊपर आ गया कि वो अगर देखो कानून के मामले में आप जल्दी नहीं कर सकते। अगर आपको लगू मैं फटाफट के केसेस खत्म कर दूं तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इन ऑर्डर टू डिलीवर जस्टिस यू हैव टू गो बाय यू नो स्लोली फॉलोइंग द प्रोसीजर्स ऑफ लॉ। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि कानून में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोर्ट है दुनिया में, इट्स वेरी पॉपुलर के जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर देरी हो गई तो आप न्याय नहीं दे पाए। जी
लेकिन इन सब चीजों के मद्देनजर आपको एक तो इस दुनिया के अंदर अमेरिका से लेकर अमेरिका में पहले ये किए जो कंज्यूमर है उनके 6 अधिकार हैं। पहला अधिकार है राइट टू चूज। आप कुछ भी सेवा या वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आपका पूरा अधिकार है कि आप अपनी मर्जी से उसका चयन कर सके, चाहे वो दवाई है, चाहे वो ग्रोसरी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे वो ऑनलाइन टिकटिंग सर्विस है, इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं। तो ये पहला अधिकार है चयन का, राइट टू चूज। दूसरा आपका अधिकार है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का क्या मतलब है कि अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, इट शुड बी सेफ फॉर दी कंज्यूमर। बिजली का सामान लिया, वो बस्ट कर गया, लॉस ऑफ मतलब कुछ डैमेज हो गया तो बहुत दिक्कत है, इसलिए राइट टू सेफ्टी है। तीसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या है कि जो भी सामान आप ले रहे हैं उसके जो भी विशेषताएं हैं या नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो उसको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, चौथा आ गया राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या है कि जब आप सामान खरीदते हैं, चाहे ऑनलाइन खरीदे या ऑफलाइन, आप जो सामान खरीदते हैं उसके लेबल को पढ़िए ध्यान से। अगर लेबल पढ़ नहीं सकते तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ सकते हैं। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास में दिक्कत है, आप अपने मोबाइल से कवर की फोटो खींचिए और उसको एनलार्ज करके सारे उसकी डिटेल पढ़िए। हर जगह आपको हर एक लेबल पर, क्योंकि ये कानूनी रूप से अनिवार्य है, लिखा होता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है या इस सेवा से, तो हमारे ग्रीवेंस ऑफिसर से संपर्क करें। उस ग्रीवेंस ऑफिसर को संपर्क करने के 2 मेथड हैं। एक, लेबल पर ही ईमेल एड्रेस लिखा होता है कंज्यूमर ऑफिसर का या ग्रीवेंस ऑफिसर का जी। दूसरा, उनका एक ऑनलाइन जो एक उन्होंने नंबर दिया होता है टोल फ्री, आप उस पर भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है जी। इसके अलावा कंज्यूमर ऑनलाइन रिसोर्स एम्पावरिंग सेंटर, जिसको CORE बोलते हैं, कोर पर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जहां रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या डिप्टी कमिश्नर के पास पावर है, या जो भी वहां पर डायरेक्टर कंज्यूमर अफेयर्स है, जैसे चंडीगढ़ में हमारे जो सिटको के में MD है, वो यहाँ पर डायरेक्टर कंज्यूमर अफेयर है, आप उनको लिख सकते हैं। तो ये काफी सारे चैनल्स हैं। अब रही बात जो कह रहे हैं कि तारीखों की, अब कृपया आगे जाने से पहले 2 राइट्स रह गई। पहला राइट टू चूज, दूसरा राइट टू सेफ्टी, तीसरा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, चौथा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, पांचवा राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का क्या मतलब है, अगर आप कोई वस्तु या सेवा खरीदते हैं तो उसमें कोई कमी पाई जाती है, डेफिशिएंसी, तो आपके पास अधिकार है कि आपकी सुनवाई हो, राइट टू बी हर्ड जी। और लास्ट राइट है कंज्यूमर का राइट टू सीक रिड्रेसल, कि उसको जो भी समस्या है उसका समाधान वो कानूनी रूप से या सरकार के बताए हुए अन्य माध्यम, जैसे कंज्यूमर हेल्पलाइन है या कोर है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब ये 6 अधिकार तो हो गए और लोगों को इसकी जानकारी भी काफी हद तक काफी है जी। वो कंप्लेंट फाइलिंग करने लग गए तो संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ गई तो केस ज्यादा लगने की वजह से तारीख लंबी पड़ने लग गई। तो नटशेल प्रॉब्लम ये है कि 2 तारीखों के बीच का समय बहुत लंबा है। अब इसका आपने कहा कि इसका समाधान क्या है, अब समाधान ये है कि, और ये भी मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो कंप्लेंट्स बढ़ी है वो ई कॉमर्स की है, ऑनलाइन टैक्सी की है, ऑनलाइन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज की है, तो ये बेसिकली इन चीजों की है, तो वस्तु भी है और सेवा भी है। तो अब इसके लिए क्या है कि जो नया कानून बना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जी, उसके अंदर इसका प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल करता है तो उसकी कंप्लेंट जो है वो उसमें मतलब समय तरीकों के बीच में लंबा नहीं पड़ना चाहिए और कम से कम समा तारीख में पड़ना चाहिए, लेकिन इस बात के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब 2 चीजें हुई, एक तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया इंडिया में,
जिसने कहा है कि जितने भी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं जी इंडिया के अंदर वो 30 दिन से लंबी तारीख नहीं डालेंगे। ये एक बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है कि 30 दिन से ज्यादा लंबी डेट नहीं पड़ सकती। अब दूसरा ये आया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है इसने भी सभी कंज्यूमर कोर्ट्स को लिखा है कि जो तारीख है दो तारीखें उसके बीच के अंदर का जो वक्फा है वो एक महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ये नियम हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरह से स्ट्रिक्टली लागू हो जाता है, जो कि मैं समझता हूं होगा, क्योंकि जो दो बड़े पिलर है न्यायालय और सरकार जी। दोनों की तरफ से निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं और कानून के अंदर ये लिखा है कि जहां तक हो सके कानून में वर्ड लिखा है शेल बी डिसाइडेड मींस होनी चाहिए। वो कहता है कि कंप्लेंट जो है वो 3 महीने के अंदर डिसाइड कर देनी चाहिए और जो अपील है वो 90 दिन के अंदर। लेकिन यहां तो जो तारीख है उसका दो तारीखों के बीच का समय ही जो है वो जो टोटल लिटिगेशन पीरियड है उससे ज्यादा है। तो ये सीधा सीधा बड़ा सिंपल सा हालात है हमारे देश में कि हम जो तारीखों के बीच का वक्फा है अगर उसको कम कर देंगे, अगर आपने कंप्लेंट डाली 90 दिन के या 30 दिन के अंदर वो डिसाइड हो गई या 90 दिन के अंदर, तो जो सुधार है कंप्लेंट पे वो चेक लग जाएगा। अब उनको लगता है कि हम पर कोई अंकुश नहीं है। अगर ये रूल जैसे ही लागू होगा 30 दिन का कानूनों ये जो कंप्लेंट्स हैं इनकी डिस्पोजल जो है वो बहुत भारी स्पीड से होगी और जब फैसले कोर्ट के 3 महीनों के अंदर आएंगे इन सबके लिए अपनी गलतियों को दोहराना बड़ा दिक्कत में हो जाएगा और ये अपनी गलतियों को सुधार कर लेंगे। और मैं यहाँ चीज ये भी बता दूं कि जो दिक्कतें या कंप्लेंट्स आती है वो तकरीबन सिमिलर होती है। लेकिन अजय जी बुक करा रहे हैं जी, आपकी ही बातों से ये लग रहा है कि क्योंकि ये पता है कि कंप्लेंट्स आएंगी तो उसका निपटारा जो है हम अभी इनकेपेबल है, असक्षम है कि इनको समय पे जो है न्याय मिल पाएगा या फिर लंबा प्रोसेस में चला जाएगा, इसीलिए तो नहीं है कि कहीं अवेयरनेस कंज्यूमर राइट्स को लेकर जो है एक कैंपेन की तरफ से नहीं चलाया जा रहा और काफ़ी लंबे समय से ऐसा हो रहा है। जबकि हम देखें ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की बात तो इसमें एक बहुत ही एक सी की तरफ से एक बहुत तेज़ी गति से जो है बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अवेयरनेस का जो काम है मिनिस्ट्री का फिर या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का उनकी तरफ से इसे लेकर कोई कैंपेन नहीं शुरू किया गया है। देखिए ऐसा है कि कैंपेन तो देखो जो भारत सरकार है ना या हमारी जो पार्लियामेंट है वो तो सदा ही सजग रहती है, उसके पास ये सारे आंकड़े भी रहते हैं। लेकिन जैसे आपने अभी जिक्र किया कि जो मंत्री हैं उनका कुछ एक दो दिन पहले ही वक्तव्य आया उसके ऊपर उन्होंने खुद ही सारी समस्या का ब्यौरा हाँ, दिया है जी। होता ये है कि हमारा कैंपेन तो है बहुत अच्छा जागो ग्राहक जागो, लेकिन हमारे एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि कानून के अंदर एक संस्था है छोटी सी जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है ये अदालत नहीं है, लेकिन इसका काम जो है वो अवेयरनेस स्प्रेड करना है, कंप्लेंट को रिसीव करना है, जजमेंट देना नहीं है पर एडवाइजरी जारी करना है, गाइडलाइन जारी करना है। तो 2016 से लेकर 2019 तक मैं चंडीगढ़ में इसका सदस्य रहा और आप मानोगे कि चंडीगढ़ के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल थी लास्ट बनी थी वो बनी थी 1993 में। 1993 के 23 साल बाद आफ्टर 23 इयर्स हमने उसको पुश करके और जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अभी थे पीछे विजय देव जी वो चंडीगढ़ में एडवाइजर थे उनको अवगत कराया तो उन्होंने ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल यहां पर बना दी जी। उसमें हमने काफी सारे मसले हल किए जैसे कि लोग बच्चे की किताबें लेने जाते हैं लाइनों में खड़ा होना पड़ता है जी। वो इनह्यूमन है इस तरह के मुद्दे जी। तो प्रॉब्लम ये है कि हमको एक कैंपेन इंडिया में लॉन्च करना है कि हर एक जिले के अंदर एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल
पर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की नोटिफिकेशन हो जाए, जब नोटिफिकेशन हो जाए तो लोगों को ये जानकारी दी जाए भी कोई भी समस्या है आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को फॉलो फॉरवर्ड कीजिए और उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन ये है दूसरा चैनल। अब एक और आपको मैं बड़ा बढ़िया उपाय इसका बता दूं। अजय जी मुझे रोकना पड़ रहा है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर विस्तार से जानूंगी कि आपके पास जो विकल्प है समस्याओं के समाधान का वो क्या है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं स्ट्रेट टॉक में और फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्ट्रेट टॉक में आपका स्वागत है। ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड हम आज डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ है एडवोकेट अजय जग्गा। अजय जग्गा, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात रख रहे थे कि किस तरह से जो है जो कंज्यूमर है वो अपनी समस्या का समाधान पा सकता है, प्लीज बात पूरी कीजिए। जी, अब मैं उसी बात पे आगे चल रहा था जो हम कह रहे थे कि कंप्लेंट्स बढ़ रही है, दो डेट के बीच का समय बढ़ रहा है, उसके लिए भारत सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और वो लगे हुए हैं। क्योंकि अभी मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, मंत्रालय ने भी कह दिया 30 दिन के ज्यादा का समय नहीं देना। तो बात नंबर पहली बात यह है, कोई भी उपभोक्ता जब ये कंप्लेंट करता है और अगर उसको लगता है कि तारीख 30 दिन से ज्यादा है तो उसे कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जी देखिए अब कानून के अंदर 30 दिन के लिए स्पेसिफिकली मंत्रालय ने और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जी। आप कृपया मेरा अगली तारीख 30 दिन के अंदर डालें जी। लोग बोलते नहीं है, मान लो डेट पड़ गई 90 दिन की, कोई व्यक्ति बोल ही नहीं रहा, तो एक तो आपका राइट है, आप उनको बोलिए, इससे बहुत सुधार होगा। दूसरा कि देखिए तीन तरह के समाधान है। अब क्या हुआ कि 2019 का जो नया कानून है उसके अंदर हमने कंज्यूमर मीडिएशन सेल का प्रावधान कर दिया जी। मान लो आपने टेलीफोन खरीदा एक 25,000 रुपए का और उसमें कोई दिक्कत आ गई, आपने वापस कर दिया, अब कोर्ट में झगड़ा आ गया, उसने कहा जी मुझे तो 25,000 रुपए का टेलीफोन के पैसे चाहिए और 15,000 रुपए मुझे हरासमेंट के चाहिए और 5,000 रुपए मुझे लीगल एक्सपेंसेस चाहिए, तो 45,000 का उसने क्लेम फाइल कर दिया। अब जो दुकानदार है वो कहता है जी मैं तो 25,000 रुपए वापस देने को तैयार हूं, टेलीफोन वापस ले लेता हूं, लेकिन मैं ये हरासमेंट चार्जेस और लीगल चार्जेस ये नहीं दूंगा जी। अब इस पर 4-6 महीने मुकदमा चलता रहता है, लेकिन अब प्रावधान आ गया कि हम उसको मीडिएशन सेल को रेफर कर सकते हैं। मीडिएशन सेल क्या है, सीधा सीधा दोनों पार्टीज को अपने कमरे में बुलाते हैं। जो मीडिएशन सेल के सदस्य हैं बोलते हैं देखिए ये 45,000 का क्लेम है, आप 25,000 दे रहे हैं, सेटल नहीं होगा, अगर आप क्लेम सेटल करना चाहते हैं तो आप पैसे बढ़ाइए, नहीं तो आप वापस अदालत में जाके कोर्ट केस फाइट कीजिए। तो इन केसों में क्या होता है कि वो फिर बोलता है कि जी ठीक है मैं 30,000 दूंगा, फिर वो 30,000 में नहीं फैसला होता तो फिर वो अगली सिटिंग में बोलता है कि ठीक है जी मैं 40,000 दे दूंगा, और जो बायर है उसको भी कहा जाता है कि जी देखिए आप उपभोक्ता है ये 40,000 दे रहा है, अगर आपको 40 लेने हैं आप ले लो, केस खत्म जी। अगर आपको 40 नहीं लेना और आपने मुकदमा फाइट करना है तो आपको वो भी चॉइस है। तो ये मीडिएशन का प्रावधान भी हमारे कानून में आ चुका है, लेकिन जितने कोर्ट केस होते हैं उसके अंदर जजेस के पास ये राइट है, अगर उनको लगता है कि इसका सुधार जो है मीडिएशन से हो सकता है तो वो मीडिएशन सेल को रेफर करते हैं, वहां एक डिसीजन हो जाता है। लेकिन अजय जग्गा जी, जी आप जिस जी, जो सुझाव या सजेशन दे रहे हैं या फिर जिस सेल की बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जब बात मोनोपोली की आ जाती है, जब हम देखते हैं ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर जो है बड़ी 2-4 मेजर प्लेयर्स ही हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं उनके खिलाफ जब एक कंज्यूमर अपनी कंप्लेन लेकर जाता है तो क्या ये जो सेल है ये प्रेशर बना पाती है इस तरह की कंपनीज पे कि आपका को जो हर्जाना है या फिर जो हैरेसमेंट है या फिर लीगल एक्सपेंसेस है इसको एक ऐसी अमाउंट अपने कस्टमर को पे करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर ने एक लंबा समय और एक मेंटली कहीं ना कहीं हम अपना समय जो है इन्वेस्ट करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। अब देखिए ऐसा है कि जो बड़ी कंपनियां है ना उनका सिस्टम ये है कि उनके अगेंस्ट जब काफी कंप्लेंट आती है तो वो अपना एक रेगुलर लीगल सेटवर्क बना लेते हैं, उसके अंदर वो अपने 2-4 लॉयर पैनल पे रख लेते हैं जो डील करते हैं,
फिर ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये क्योंकि मीडिएशन जो है ये एक चयन का मामला है, एक चॉइस का मामला है, लेकिन ये कंपल्सरी रूट नहीं है। अगर दोनों पार्टीज आपस में समझौता नहीं करती जी, तो कोई उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं है या जोर नहीं है कि उनको ये मीडिएशन करना ही करना है। उनको वापस अदालत में भेज दिया जाता है। जो बड़ी कंपनी है उनको लगता है कि अगर मैंने एक केस में ये किया तो बाकी सभी केसों में ये करना पड़ेगा। इसलिए जो बड़ी कंपनियां हैं ऑनलाइन जिनकी प्रेजेंस है ये इसके ऊपर ज्यादा मीडिएशन में नहीं जाती। लेकिन इनके लिए मेरी जो कंज्यूमर को सुझाव है वो ये है कि देखिए आप कोर्ट जरूर जाइए, आपका अधिकार है, लेकिन आप बाकी के जो रास्ते है ना उनको भी इख्तियार कीजिए। नंबर वन, आप ये नेशनल कंज्यूमर लाइन पर कंप्लेंट डालिए, आप कंपनी के ट्विटर हैंडल पर कंप्लेंट डालिए, आप कंपनी के जो ग्रीवेंस अधिकारी है उसके ऊपर मेल डालिए। ये जो आपको और ये जो आपको दिए हुए प्रावधान आप इनका भी इस्तेमाल कीजिए। होता क्या है कि काफी सारे लोग बिना किसी चीज का इस्तेमाल किए सीधे ही कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। और अब उसमें होता क्या कि कई ऐसे मसले हैं जो मैंने खुद के सुलझाए हुए, मैंने कोई शेयर अप्लाई किए, वो शेयर का रिफंड नहीं आया, तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी थी, हमारे पास दो चारे थे, हम कंज्यूमर कोर्ट जाते या ये जो ऑल्टरनेट रूट्स है ये अडॉप्ट करते। हमने ऑल्टरनेट रूट्स घर में बैठे अडॉप्ट किए, चंद मेल डाली, कंज्यूमर मिनिस्ट्री को मेल डाली और वो 90 दिन के अंदर उनके पैसे हमारे अकाउंट में आ गए। मतलब बिना कंज्यूमर कोर्ट के मैटर सॉर्ट आउट हो गया। तो कंज्यूमर जो है वो कोर्ट भी जाए, लेकिन जो बाकी के ऑल्टरनेट रूट्स है उसको भी प्लीज फॉलो करे और 30 दिन का नियम कृपया कोर्ट केस में रेफर करें पूरे जोर से। अगर वो 30 दिन के अंदर होगा तो कोई समस्या ही नहीं है कंज्यूमर कंप्लेंट को सुलझाने की। तो डिस्प्यूट नटशेल में संक्षेप में दो तारीखों के बीच का वक्फा है जी। आप उसको रोकिए, कोर्ट में बोलिए, खुलकर बोलिए कि जी अब ये नियम बन चुका है, आप इसको नहीं ले जा सकते, कोर्ट आपको टाइम पे देगी, आपकी समस्या का समाधान होगा जी। अजय जगा जी, एक और छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी स्ट्रेट टॉक में और वापस आऊंगी तो आपसे जानूंगी कि कंज्यूमर्स को जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उन्हें किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे स्ट्रेट टॉक पे, फौरन लौटते हैं। के बाद फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। बात हो रही है ऑनलाइन शॉपिंग में देश के भीतर बढ़ रही फ्रॉड की घटनाओं की। अजय जगा जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने पूछा था कि ऑनलाइन शॉपिंग में जो फ्रॉड की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे देखते हुए कंज्यूमर को किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करने जाता है। देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रही है ये इस समय इस देश में नहीं इस दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एड्रेस किया है और उसके अंदर उन्होंने साइबर लॉज और साइबर सेफ्टी का बहुत बड़ा जिक्र किया है। तो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं, ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो साइबर क्राइम साथ में जुड़ जाता है जी। अब आम व्यक्ति को शायद साइबर क्राइम या साइबर लॉ की जानकारी ना हो, लेकिन ये बहुत ही साधारण और सिंपल टर्म है और लोगों की जानकारी के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए मैं बता दूं कि जो साइबर क्राइम है वो कुछ नहीं है, जिस किसी भी क्राइम के अंदर कंप्यूटर इन्वॉल्व है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है वो साइबर क्राइम है। करेक्ट, ये एक स्पष्ट बात हो गई जी। अब आपने कोई पेमेंट करी, आपके साथ गड़बड़ हो गई, साइबर क्राइम है। आपने कोई आइटम खरीदी और पैसे दे दिए वो आइटम गलत आई तो आपके साथ फ्रॉड हुआ, वो भी एक साइबर क्राइम है। तो अब इन सब चीजों के लिए देखिए, दुनिया में एक चीज स्पष्ट है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अगर हार्वर्ड की एक किताब के वक्तव्य के बारे में जाने तो शायद 2040 तक 80% से ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन हो जाएगी। लोगों के पास जाने का समय नहीं है, पार्किंग प्रॉब्लम है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी ऑनलाइन शॉपिंग पे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। पहली सावधानी तो ये है कि जब भी आप शॉपिंग करें ऑनलाइन तो कृपया एक सेफ कंप्यूटर से करें, प्रेफरेबली पर्सनल कंप्यूटर से करें या पर्सनल फोन से करें। जो
साइबर कैफे खुले हैं वहां पर जाकर पब्लिक कंप्यूटर से शॉपिंग न करें, क्योंकि आप उसके अंदर काफी सारी अपनी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, वो चोरी हो सकती है, मिसयूज हो सकती है। तो पहली बात, शॉपिंग करें अपने पीसी से या अपने फोन से, नंबर वन। नंबर टू, जब आप शॉपिंग खरीदते हैं तो आपको मैं दूसरी जानकारी दे दूं कि लॉ के अंदर एक मर्चेंट रैंकिंग का भी एक प्रावधान है। तो जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं आप उनके स्टार्स देख सकते हैं, ये 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है। अगर आपको वो भी नजर नहीं आता तो आप गूगल में जाकर प्रोडक्ट का नाम डालकर कंज्यूमर कंप्लेंट्स या ग्रीवेंस रेफर करेंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, आप वो देख लें। तो कृपया सामान खरीदने से पहले सेलर की रेपुटेशन और रैंकिंग को चेक कर लें। लेकिन अजय जगत, ये जो आपने बात कही है ध्यान रखने की, ऑनलाइन शॉपिंग में हम देखते हैं कि ये जो रैंकिंग है या फिर ये स्टार है, इससे भी लेकर जो कंपनीज हैं वो मिसगाइड करती हैं। अभी बीते दिनों हमने देखा कि फेक फीडबैक्स क्या, या फिर जब फेक फीडबैक्स की बात करते हैं तो फेक स्टार का शक कैसे ना जाए, इससे कैसे सचेत रहा जा सकता है, ये तो चैलेंज। इसे भी भारत सरकार ने अब एक ऑफेंस घोषित कर दिया है। अगर आप फेक डाटा जनरेट करते हैं वो अपने आप में एक क्राइम है। तो अगर ये चीज सामने आएगी उसको पनिश किया जाएगा और धीरे धीरे ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप गूगल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, गूगल का जो कंटेंट है उसको कंपनी ठीक है थोड़ा बहुत वो पॉजिटिव कंटेंट डाल देगी, लेकिन अगर नेगेटिव बहुत ज्यादा है कंटेंट किसी प्रोडक्ट का या किसी गाड़ी का होता है तो वो दबाया नहीं जा सकता। तो आप कृपया तभी मैंने बोला रैंकिंग के अलावा आप गूगल भी चेक कर ले, गूगल में जाकर उसका रेपुटेशन कंप्लीट चेक कर ले। ठीक है, उससे आगे कोई ऑफर आपको बहुत ज्यादा सुंदर बढ़िया लग रही है उसको कृपया 2-3-4 बार चेक कर ले। जैसे 2 items free with 1 item, अब ये सुनने में तो अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो सकती, तो ये एक ट्रैप हो सकता है और होता है। तो उसे कृपया जांच ले अच्छी तरह कि ये क्या है, कई बार वो फेक प्रपोजल होती है। तो इसलिए प्लीज गो थ्रू दी प्रपोजल केयरफुली क्या है। अगला, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन या सर्विस ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो प्लीज टेक ए उसका जो एक फोटोग्राफ है वो जरूर लेके रखे। आपने क्या आइटम ऑर्डर करी थी वो जब आप बाद में पिक्चर उठाएंगे हो सकता है वो पिक्चर आपको सिस्टम पे ना मिले जी। तो इट इज ऑलवेज बेटर जब भी प्रोडक्ट ऑर्डर करे उसका फोटो क्लिक साथ में कर ले, स्क्रीनशॉट, और जहां तक पॉसिबल हो कंपनी के ईमेल पर डाल दें कि आई हैव ऑर्डर्ड दिस प्रोडक्ट, ताकि कल को प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर प्रॉब्लम ना आए। आपने राउंड कोई चीज ऑर्डर करी आपको स्क्वेयर आ गई, अब जब आप बाद में जाते हैं देखते हैं कुछ और है, जब आप प्रिंट आउट लेते हैं उस पर डेट आ जाती है तो ये इशू आ जाता है कि जी आपने एक्चुअली ऑर्डर क्या करा था। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप ऑर्डर करते हैं उसका फोटो लेके रख ले। जी, समय बहुत कम है, मैं चाहूंगी संक्षेप में आप अपनी बात खत्म करें। जी जगह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं चाहती हूँ, समय बहुत कम रह गया है तो मैं संक्षेप में जानना चाहती हूँ कि कस्टमर को आखिरी सलाह आपकी क्या होगी। आखिरी सलाह ये है कि जहां तक पॉसिबल हो सके पेमेंट आप उनको कैश करें, ताकि ये ना हो कि पैसा करने के बाद प्रोडक्ट ना आए या प्रोडक्ट लेट आए या प्रॉपर ना आए। इसलिए बेटर ये है कि ऑप्ट फॉर कैश या ऑनलाइन जब पेमेंट ऑन द रिसीट ऑफ द गुड्स, ताकि आपको गारंटी हो जाएगी दैट यू हैव रिसीव्ड द करेक्ट गुड्स एंड यू कैन मेक द पेमेंट। सो प्रेफरेबली ट्राई, अगर पॉसिबल हो तो उसकी आप जो कंप्लेंट है वो जी करने में आपको सावधानी रहेगी, और अगर गुड्स आपकी मर्जी की नहीं आई तो आप पैसा मत दीजिए। और तीसरा अंतिम जो मैं बात आपको कह रहा हूँ कि अब हिंदुस्तान में कानून बदल गया है, पहले प्रॉब्लम ये थी कि अब अगर आप यहाँ से बॉम्बे का टिकट खरीदते हैं तो वो कंपनियां बोलती थी बॉम्बे में कंप्लेंट फाइल कीजिए, अब हिंदुस्तान में कानून बदल गया है, जो कंज्यूमर है वो जहाँ रहता है वो वहीं पर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है इस देश के अंदर। बहुत अच्छा बदलाव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जग्गा जी। समय समाप्त हो गया स्टेट टॉक में आज का, लेकिन आपके जरिए हमारे दर्शकों ने जाना और मैंने खुद भी जाना कि हमारे कंज्यूमर राइट्स क्या कहते हैं, जब भी ई कॉमर्स या फिर ट्रांजैक्शन करें तो किन खास बातों का ध्यान रखिए। अवेयरनेस इस मामले में काफी ज्यादा किए जा
जाने की जरूरत है। अजय जगा जी, फिर से आपका स्वागत करती हूँ इतनी ज़्यादा लीगल जो समझ है हमसे शेयर करने के लिए। फिलहाल स्टेट टॉक में ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में जो हम बातचीत कर रहे थे यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।